शम्बरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति ही। कामना तो हित के लिए ही करती है, सुख के लिए ही करती है और दुख की निवृत्ति के लिए ही करती है, किंतु उसे ये नहीं पता होता कि किसमें मेरा हित है और किसमें अहित है। भिन्नता उसकी समझ में होती है, मूल कामना भी ठीक है और हित के लिए ही हर आत्मा कामना करती है, अहित के लिए करेगी ही नहीं। लेकिन ज्ञान के भेद से, समझ के भेद से वो ऐसे कर्मों को करता है, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आता है जिससे उसका अहित होता है। समझ तो वो वहां भी यही रहा होता है कि इससे मेरा लाभ होगा, मेरा हित होगा, समझ उसकी यही बनी हुई है, उस समझ ही गलत बन गई है। बाद में व्यक्ति को पता लगता है कि मैंने देखो ये कर्म किए, ये गलत थे, इन इन व्यक्तियों के संपर्क में आया, ये गलत था, इन इन वस्तुओं का ऐसे ऐसे उपयोग किया, उपभोग किया, वो गलत था। ये बाद में पता लगता है जब उससे हानि होती है, वो हानि प्रत्यक्ष होती है, अनुभव में आती है। लेकिन क्या ही अच्छा होता प्रारंभ में ही पता लग जाता। एक बुद्धिमान व्यक्ति में और अज्ञानी व्यक्ति में यही अंतर है। बुद्धिमान बिना हानि उठाए दूसरों को देख करके या वैसे ही समझ करके भी सीख जाता है, अथवा थोड़ी सी हानि उठाते ही वो सीख जाता है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति बार बार उन स्थितियों में पड़ते हुए भी, दुखी होते हुए भी, फिर वैसा ही करता रहता है, समझ नहीं ठीक हो पाती। तो सुकामना और कुकामना के पीछे हमारा ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हमारे लिए, आत्मा के लिए सुकामना कौन सी है जिसमें आत्मा का हित है, लेकिन आत्मा का हित किसमें है? हम सब जीने की इच्छा करते हैं, हम जीते रहे, हमें मनुष्य जन्म मिलता रहे, अच्छा जीवन मिलता रहे, अच्छे साधन मिलते रहे, और इसमें हमें हमारा हित दिखाई देता है, इसमें हमारा हित है भी। लेकिन इतना सोच करके इसे ही अपना हित समझना कि मुझे इसी प्रकार बस मनुष्य जन्म मिलता रहे, खूब धन संपत्ति रहे, शरीर अच्छा रहे, बुद्धि अच्छी मिले और मैं संसार के भोगों को भोगता हूं, इसमें हित दिखाई भी दे रहा है सामान्य रूप से और बहुत सुख भी अनुभव हो रहा है, अनुकूलताएं भी हैं, लेकिन इसके बाद भी एक बिंदु रह जाता है, वो है संसार का दुख। इसलिए वेदों का, ऋषियों का तो यही निर्देश कि आत्मा का वास्तविक हित तो मुक्ति में ही है और मुक्ति की प्राप्ति के लिए ये सब चीजें सहायक हितकारक होती हैं। उतने अंश में इस संसार की वस्तुओं को, व्यक्तियों को, भोगों को स्वीकार करना ये सुकामना में आएगा, लेकिन इन्हीं को अंतिम लक्ष्य बना लेना और इसी में लगे रहना, इसी की कामना करना, इन्हें मुक्ति के लिए साधन न मान करके इन्हें ही साध्य मान लेना, ये ज्ञान का भेद, ये समझ का भेद अब हमारी कामना को कुकामना बना दे।
तो परमात्मा के लिए संबोधन किया गया, परमात्मा सुकाम वर्धक है। साधकों के मन में एक चिंता रहती है, एक विचार बार बार आता है, धार्मिकों के मन में आता है, उन्हें जानकारी मिल गई ये कामनाएं अच्छी हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार देखते हैं हमारे अंदर सुकामनाएं बनी नहीं रहती, छूट जाती, उनकी तीव्रता कम हो जाती है, बार बार प्रयत्न करता है फिर छूटती है, और उनकी बदले में कामनाएं आ जाती है, गलत कामनाएं आ जाती है, और साधक ये समझता रहता है मुझे ही सुकामनाएं लानी है, मुझे ही करना है, दूसरों को सुन के पढ़ के विचार के। तो यहां एक संबोधन देते हुए महर्षि संकेत कर रहे हैं कि परमात्मा सुकाम का वर्धक है। हम जब सुकामनाओं की तरफ जाते हैं तो परमात्मा का सहयोग भी हमें प्राप्त होता है। सुकामनाओं के बने रहने में मात्र हमारा ही प्रयत्न नहीं रहेगा, हमारे प्रयत्न के साथ साथ परमात्मा का सहयोग भी विद्यमान है। लेकिन फिर भी विचित्रता देखिए, हम अपने सुकामों को प्रारंभ में अधिक नहीं बना पाते, स्थिर नहीं रख पाते, परमात्मा का सहयोग होते हुए भी। ये तो हमारे अंदर बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए कि मैं सुकामनाओं के वर्धन का प्रयास कर रहा हूं, ज्ञान की वृद्धि कर रहा हूं, ज्ञान को शुद्ध बना रहा हूं जिससे कामना भी शुद्ध रहे और परमात्मा का सहयोग भी साथ में मेरे को मिल रहा है। उस सहयोग को ध्यान में रखते हुए अत्यंत आत्मविश्वास से हमें चलना चाहिए, और यदि फिर भी शिथिलता आ रही है तो इसका मतलब है परमात्मा का सहयोग रहते हुए भी हमने अपने प्रयत्न को बहुत कम कर दिया, इसलिए वो सुकाम शिथिल हो गया है, हट गया है। हम प्रयत्न करें, परमात्मा का सहयोग तो साथ में विद्यमान है, और इसके विपरीत हम देखते हैं कि बुरी कामनाएं हमारे में ऐसी बैठ जाती हैं कई कई, वो हटते नहीं हटती, प्रयास करते करते भी वो नहीं हटती, उन कुकामनाओं को परमात्मा नहीं बढ़ा रहा है, फिर भी वो बढ़ती रहती है। इधर सुकामनाओं को परमात्मा बढ़ाता है फिर भी वो नहीं बढ़ पा रही है, कम बढ़ रही है, और उधर कुकामनाओं को परमात्मा कभी नहीं बढ़ाता लेकिन फिर भी हमें बढ़ी हुई दिखती है और उस तरफ जाते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा या कोई दुर्बल व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो खड़ा होने का थोड़ा प्रयास करे तो दूसरा व्यक्ति उसको उठा रहा है, सहयोग दे रहा है, लेकिन यदि वो गिरे तो कोई दूसरा व्यक्ति गिरा नहीं रहा है, उसको गिराने में सहयोग नहीं कर रहा है कि गिरते को और धक्का दे दिया और वो और गिर जाए, ऐसा नहीं कर रहा है वो व्यक्ति। तो सहयोगी के रहते हुए भी यदि दुर्बल व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, इसका मतलब है उसमें अभी बहुत अधिक दुर्बलता है। दूसरों के न गिराने पर भी वो खुद गिरता जा रहा है, परमात्मा के न गिराने पर भी वो खुद गलत कामनाओं को ले आता है, का मतलब है वो खुद ही इस तरफ से इतना शिथिल। तो साधक के मन में ये बात आ जाए कि ये जो कमी है, अच्छे कामनाएं अच्छी कामनाएं बनी नहीं रहती, उसमें मेरा ही बड़ा दोष है, परमात्मा की तरफ से तो कमी है ही नहीं, मैंने प्रयत्न किया और परमात्मा का सहयोग तो मेरे साथ में है ही, मिलेगा, मिलता ही है। और जब हमारे अंदर बहुत अच्छी कामनाएं होती हैं और जब साधक धार्मिक व्यक्ति प्रयत्न से लगातार अच्छी कामनाओं में ही रहता, अभ्यस्त हो जाता,
उसमें भी उसे ऐसा गर्व नहीं करना चाहिए कि ये मैंने कर लिया, एक परमात्मा का सहयोग मिला है तब हम ऐसा कर पाए। परमात्मा हमारे अंतःकरण में सुकाम के समय में प्रेरणा दे करके, उत्साह दे करके उसे पढ़ाता है, और परमात्मा ज्ञान दे करके भी उसे पढ़ाता है कि ज्ञान पर ही सुकामना और कुकामना निर्भर है। इसलिए महर्षि दयानंद ने सुकाम वर्धक इस संबोधन के बाद में अगला संबोधन दिया, हे ज्ञान प्रद, हे ज्ञान को देने वाले। इन दोनों का परस्पर संबंध है, परमात्मा ज्ञान को देता है, वेदों के माध्यम से देता है, हमारे अंतःकरण में देता है, और प्रकृति की व्यवस्था उसने ऐसी बनाई है कि हमें ज्ञान होगा। ज्ञानेन्द्रियां दी हैं, बुद्धि दी है, उससे हमें ज्ञान होगा। इस सामान्य ज्ञान के होते हुए भी जब हम हानिकारक चीजों की तरफ बढ़ते हैं, उनका उपयोग करते हैं, तो फिर वहां हमें सूचना मिलती है, ये दुख आ गया, ये हानि हो गई है, उसका भी हमें पता लगता है। ये परमात्मा की व्यवस्था है। जैसे ही हम सुकामना को लाते हैं तो आनंद उत्साह आदि होता है, उसको बढ़ाता है, और जैसे ही बुरी कामना आती है तो मन में ग्लानि, भय, शंका, लज्जा आती है, ये उसको घटाता है। तो जीवन के जो भी अनुभव होते हैं, वहां जो दुख आते हैं, उन दुखों के माध्यम से भी परमात्मा हमें बुरी कामनाओं से रोकने का प्रयास कर रहा है। ये आगे पढ़ने लायक नहीं है, और हमें समझ आती है, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देरी से समझता है, और अच्छी तरफ जाते हैं तो आनंद, उत्साह, निर्भयता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और हम उधर ही बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति बिना सुकामनाओं के नहीं हो सकती, और कुकाम को हटाना ही होता है, नहीं तो हम ठीक रास्ते पे चल ही नहीं पाएंगे। ठीक लक्ष्य का बनना और ठीक रास्ते पे चलना, ये सुकामना के कारण ही हो सकता है। अनेक बार साधना के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में ये बात प्रचलित हो जाती है, योग के क्षेत्र में, कि यहां तो समस्त कामनाएं हमें समाप्त करनी है, कामना हुई तो राग हुआ, और राग हुआ तो वो बंधन का कारण है, इसलिए कामना तो करनी ही नहीं है, कामना को छोड़ना है, और व्यक्ति कामनाओं को छोड़ने में लग जाता है, इस कामना को छोड़ेगा, उसको छोड़ेगा, इसको छोड़ेगा, बहुत सी गलत कामनाओं को भी छोड़ता है, उतना वहां अच्छा होता है, लेकिन चूंकि उसने लक्ष्य यह बना लिया कि कामनाएं छोड़नी है, कामना मुक्ति में बाधक है, वो अच्छे बुरे का भेद नहीं कर रहा है, वो कामना मात्र को छोड़ना चाहता है, तो अच्छी कामनाओं को भी वो छोड़ने लग जाता है, लाभकारी चीजों को, क्रियाओं को भी वो छोड़ने लग जाता है। मन में ऐसा बैठा दिया गया कि कामना तो होनी ही नहीं चाहिए, और इसलिए कामना को वो अपनी वाणी से व्यक्त नहीं करता है, रोक के रखता है, लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके अंदर कामना ना हो। जो कामना को पूरी तरह छोड़ने की बात करते हैं, वो भी अंदर कामना से युक्त होते ही हैं। वाणी से नहीं बोलेंगे तो उनका व्यवहार बताएगा, कामना तो होती ही है। अब पानी पीने की कामना, भोजन करने की कामना, जीवित रहने के लिए, बल की प्राप्ति के लिए, यह मुक्ति में बाधक नहीं है। हां, इसमें अगर हम गलत ढंग से, इसमें हम यदि गलत तरीके से जल का उपयोग करें, यह मुक्ति में बाधक बनेगा, स्वास्थ्य की हानि करके। भोजन गलत करें, यह हानि करेगा। भोजन में अति लोभ करें, यह हानि करेगा।
लेकिन उचित मात्रा में इनका सेवन, इनकी कामना ये साधना में, योग में बाधक नहीं है, आवश्यक है और कोई इससे मुक्त नहीं हुआ है और न हो सकता है। तो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त इस प्रकृति का, इस शरीर का, हम परमात्मा के द्वारा प्रदत्त शरीर और प्रकृति का हम लोग मुक्ति की प्राप्ति के लिए, अर्थात हमारी अपनी जो आत्मिक इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए प्रयोग करें। ऐसी कामना जिससे आत्मा का वास्तविक हित सिद्ध होता हो उसको हम बनाए रखें, ऐसा परमात्मा चाहता है और हमारा सतत सहयोग करता है। हम साधना में, योग में जो परेशान होते रहते हैं, गलत कामनाएं आ रही हैं, अच्छी कामनाएं नहीं बनी रह रही हैं, उस समय हम परमात्मा को जोड़ के नहीं देखते। ये ठीक है कि हमारे में दुर्बलता है, हमें अपने को ठीक करना है, लेकिन दुर्बल व्यक्ति जब पास में खड़े हुए सबल व्यक्ति को देखता है कि ये मेरा सहारा है, तो एक अलग ही बात होती है। उतनी ही दुर्बलता के रहते हुए जब व्यक्ति उठने का प्रयास करता है और अन्य कोई सहारा नहीं दिखता, तो उसको अलग बात होती है। अपनी सामर्थ्य को देख के उसे लगता है मैं तो कर ही नहीं सकता, लेकिन एक सहायक को देख करके, पास में उपस्थित समझ करके, उतनी ही सामर्थ्य में उसके अंदर बल आ जाता है, विश्वास आ जाता है कि मैं उठ जाऊंगा, इनका सहयोग है मेरे साथ। ऐसे ही साधक के मन में ईश्वर की सहायता का विश्वास सदा रहे कि परमात्मा सुकाम का वर्धक है, वो तो मेरे साथ में है। उस परमात्मा के रहते में क्यों नहीं कामना को पूरा कर सकूंगा, एकदम विश्वास आता है। तो आर्या विवेवने में आर्यों के लिए, श्रेष्ठों के लिए, धार्मिकों के लिए यह निर्देश हो गया कि हम परमात्मा को सुकाम वर्धक माने, अंदर सदैव ये विश्वास रहे कि परमात्मा साथ में है और वो सुकामना का वर्धन करेगा, मैं सुकामना करूं तो सही। और इस विश्वास के साथ में हम अपने आध्यात्मिक मार्ग को और अच्छा बढ़ा सकते हैं, अपनी वृद्धि कर सकते हैं। मन में परमात्मा के इस विशेष गुण को रखते हुए परमात्मा को सुकाम वर्धक स्वीकारते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। Oh.